गुड मॉर्निंग। चलिए हम सवाल देखते हैं कि संख्याएं बनाना और वह भी कितनी चाहे आप बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि संख्याएं रिपीट ना हो। तो जैसे यहाँ हमारे पास सवाल है, तीन अंक की संख्याएं बनाओ। हमें दे दिया गया 1, 5, 8 और इन तीनों से हमें तीन अंक की संख्याएं बनानी है, जितनी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीन अंक की बनाना है तो 1, 5, 8 इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं। 1, 5, 8 यह एक पहली संख्या हो गई। अब देखिए, एक को यहीं रखिए और इसकी जगह बदल दीजिए, 5, 8 को कर देते हैं 8 और 5। तो हमें यह पहली संख्या दूसरी संख्या भी मिल गई। अब क्या करें हम, एक को हमने सैकड़े में रख लिया पहले, अब 5 को रखते हैं 5 और इसको इसी क्रम में लिख दीजिए 1, 8। फिर 5 को सामने रखिए और इसकी जगह बदल दीजिए 8, 1। तो दो और संख्याएं मिल गई। अब चलते हैं और आगे, हमने 1 को रख लिया, 5 को रख लिया, अब 8 को रखते हैं। 8 को सामने रखा और इसको इसी क्रम में लिख लीजिए जो बचे हुए हैं 1, 5, तो 815 और फिर इसकी जगह बदल लीजिए 8, 1, 5 को 5, 1। तो इस तरह से हमें 6 संख्याएं प्राप्त हो। चलिए एक दूसरे सवाल पर चलते हैं और यहाँ हमें दिया गया है 4, 0, 6। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा। तो पहला काम कि हम इसको इसी क्रम में लिखे हैं 4, 0, 6, यह हो गया पहली संख्या। अब इन दोनों की जगह बदल लेते हैं तो 6, 0, 460 यह होगी दूसरी संख्या। अब शून्य को रखकर देखिए, शून्य को मैं रख दिया यहां और 4, 6, 4, 6 और शून्य को रख दीजिए सामने और 6, 4। पर हमने यहाँ देखा है तीन अंक की संख्याएं बना, इसे हम क्या पढ़ते हैं 46 और इसे 64। तो यह तो हुआ दो अंक की संख्या। ठीक है, क्योंकि सामने अगर 0 है तो उसकी कोई कीमत नहीं। तो अगर हमारे पास 0 है तो 0 को सैकड़े में रखकर या सामने रखकर हम कोई संख्या नहीं बना सकते उतने अंकों की। ठीक है, तो ये दो संख्याएं नहीं बनेंगी। मैंने सिर्फ आपको यह समझाने के लिए बनाया है कि यह तीन अंक की संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम रखते हैं अब 6 को, 6 और 4, 0, 640, 6 इसकी जगह बदल दीजिए 0, 4, 604। तो अगर तीनों में से कोई एक अंक 0 है तो हमें केवल और केवल 4 ही संख्याएं मिलेंगी तीन अंक। ठीक है, यह दो अंक की संख्या होगी। 0 को हम सैकड़े में रखकर संख्या नहीं बना सकते। तो 0 को मैंने इसलिए लिया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या हो, संख्या बनाने को दिया जाए जिसमें 0 हो, तो फिर 0 को हम सामने रखकर सैकड़े में रखकर संख्या नहीं बना सकते।